हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल चंद्रा ब्लॉग्स। तो गाइस, आज आए हैं इस वैगनर से थोड़ी दूर ही, तो इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे जो लगी वो मैं आपको शेयर करता हूँ। एक तो इसके जो एसी का जो काम है, देखो इसके जो वेंट्स है ना, वो यहीं पे प्लेस है। एक यहाँ पे प्लेस है, एक यहाँ पे प्लेस है, एक यहाँ पे प्लेस है। चार वेंट्स है, वो प्लेस है, पीछे कोई वेंट नहीं है। तो दिक्कत क्या आती है, अभी का जो मौसम है इसमें तो बढ़िया है, इसमें तो हवा पीछे तक बढ़िया चली जाएगी, कूल हो जाएगा। लेकिन दिक्कत क्या आती है इसमें कि ना, अभी जैसे चलाऊंगा ना तो पीछे तक हवा नहीं जा पाएगी। यहाँ करूँगा तो यहीं रह गई, यहाँ करूँगा तो यहीं रह गई, पीछे नहीं जा पाएगी हवा, तो ये यहीं आगे कवर कर लेती है। तो ये प्रॉब्लम है वैगनार में जो मुझे लगती है, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो वैगनार की मुझे ये लगती है। और तो प्रॉब्लम है नहीं, बढ़िया माइलेज निकाल के देती है, चलने में भी ठीक है, सिटी राइड के लिए बहुत अच्छी गाड़ी है, और तो इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। और हाँ गाइस, जो तुम्हारा सपोर्ट अभी तक बना वो बढ़िया बना, 3000 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं हमारे यूट्यूब पे, तो बढ़िया रहा। और ऐसे ही सपोर्ट करते रहो, आगे बढ़ती रहेगी वीडियो। अभी बहुत टाइम तक गैप था वीडियो में, लेकिन अब शायद रेगुलर करूँगा वीडियो। और हाँ, कुछ अच्छा गुड न्यूज़ आने वाली है, 5-6 महीने में या 7-8 महीने में करीब एक गुड न्यूज़ आ जाएगी आपको। बहुत अच्छा कंटेंट मिलने लग जाएगा फिर, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट, आपके मन पसंदीदा कंटेंट मिलने लग जाएगा आपको। तो गाइस, कई मेरे दोस्त यार बोलते हैं कि भाई ये वाली गाड़ी LXi मॉडल है या VXi मॉडल है या ZX है, तो खैर कोई बोलता नहीं है, LXi मॉडल है या VXi मॉडल है। तो भाई ये LXi मॉडल है, जिसमें ये पावर विंडो जो है ये कंपनी फिटेड कंपनी से लगवाए थे हमने। तो इसमें क्या है, ये जो ऑटो वाला ऑप्शन है, ये ऑटो एकदम से नहीं होता, पूरा ये पूरा करना पड़ता है तो जाके होता है, ये वर्किंग नहीं है इसमें। तो ये ऐसे है पूरा, और वहाँ भी पावर विंडो है और पीछे के साइड भी पावर विंडो है दोनों साइड। तो ये कंपनी से ही लगवाया था, और ये स्टीरियो कंपनी से लगवाया था, मतलब जितना भी काम इसमें हुआ है सब कंपनी से हुआ है, फोग लैंप आगे की और जो भी है सब कंपनी से है। तो ये LXi मॉडल है, ये इसको हो चुके हैं करीब दो साल के करीब हो चुके हैं इस गाड़ी को, और ये LXi मॉडल है, ये VXi मॉडल नहीं है। कंपनी फिटेड CNG आती है, इसलिए ये कंसिडर करा था। ये देखो, इसमें मीटर में ही CNG आती है, और अभी CNG रिजर्व में है। अभी देखो, स्टार्ट करके दिखाता हूँ, तो CNG अभी रिजर्व में है। तो ये बस अब बताती है इसमें कि CNG अभी रिजर्व में है, और ये पेट्रोल अभी इतना ही है, और ये 17,000 कुछ चल चुकी है। और इस मीटर का जो फंक्शन है वो ये है, फोकस अभी CNG पे आ चुकी है, और ये इसमें मीटर का फंक्शन है ट्रिप ए, ये ट्रिप बी, और ये आ गया आपका एवरेज निकालने का, और ये मतलब ये एवरेज निकालने का वो रेंज, कितनी चल सकती कितनी नहीं चल सकती। तो ये अभी एवरेज तो बताती नहीं है CNG पे, सच्चाई जैसा कुछ एवरेज इसका निकलता नहीं है, मतलब इसमें बताती नहीं है। और वैसे निकलने को ही निकाल देती है सिटी में 20 का, और 20 का बहुत ज़्यादा होता है, मतलब वैगनार है और अच्छी एवरेज निकाल देती है, तो और वैल्यू फॉर मनी तो है ये कार, तो यही है। और सिटी और हाईवे पे ये आपको 30 का दे देती है माइलेज, तो बढ़िया है, इसलिए मुझे ये थोड़ी सही लगती है सिटी के हिसाब से। और इसमें खैर बॉडी रोल तो फील होता है, अगर आप ये गाड़ी आप बेसिकली ले सकते हो सिटी राइड के लिए, सिटी राइड के लिए सबसे बढ़िया कार, सबसे बढ़िया माइलेज निकालने वाली गाड़ी है। सेफ तो इसको नहीं कह सकते, सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है ये, मतलब हर जगह से गेट भी इसके पिचकते हैं, सब कुछ पिचकते हैं, तो बोनट भी सब कुछ ऐसे होता है। और पुरानी वाली वैगनार से भी हल्की है, पर बोनट भी छोटा है इसका। और इसमें ये वर्किंग है, ये भी वर्किंग है, मतलब ये दो इसमें वर्किंग है, और LXi में शायद ये नहीं आते हैं, तो इसमें ये चीज़ वर्किंग है, और ये तो खैर आता ही नहीं है LXi में और VXi में, ये तो होता ही नहीं है। एडजस्टेबल मिरर ये तो हो ही नहीं सकता था, कंपनी वाले से भी लगवाते तो शायद लगाते नहीं लगाते कुछ पता नहीं था। तो ये जो है, ये चीज़ जो है, ये कंपनी से लगाई है, कंपनी से लगाई थी हमने, और इसका कुछ 18 या 19 हज़ार रुपये पड़ गया था, और इसका स्टीरियो का भी 14,000 रुपये समथिंग कुछ पड़ा था। तो यही था और कुछ नहीं है, मतलब कंपनी से थोड़े पैसे तो लेते हैं, लेकिन अब इन चीज़ों का इंश्योरेंस क्लेम वगैरह आ सकता है, मिल जाएगा, और भी मतलब ख़राब भी होगा तो तुरंत ठीक करके देगी कंपनी। तो ये सब चीज़ें हैं जो कंपनी से बढ़िया लगती है। और ये अगर बाहर लगवाते तो पता नहीं कितने का लगवाता, मतलब बाहर लगवाते तो पता नहीं कितने का लगता, अगर आप कुछ आइडिया तो बताना कमेंट करके कितने का लगता। तो ये है थोड़ा बहुत, और कुछ नहीं है इसमें। मुझे बस एक यही मीटर में यही चीज़ अच्छी लगती है
कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों चीज़ का बताता है। जैसे कि ये भी पेट्रोल पे स्विच करता हूँ तो ये पेट्रोल पे है और ये भी सीएनजी पे स्विच हो जाता है तुरंत। तो ये पेट्रोल सीएनजी का दोनों चीज़ बताता है इसमें कि कितना पेट्रोल है कितना सीएनजी है। तो गाइज ये माइलेज इसका आता है, एवरेज इसका दिखाता है, वो दिखाता है सिर्फ पेट्रोल पे। जैसे सीएनजी पे हम इसको शिफ्ट करते हैं तो सीएनजी पे ये नहीं दिखाता। तो ये रीज़न है इसका। देखो अब इसका अब एक बारी वो भी चेक करते हैं हम रेंज। देखो रेंज भी दिखा रहा है सिर्फ पेट्रोल पे, रेंज भी दिखा रहा है पेट्रोल पे सिर्फ। सीएनजी पे शिफ्ट करेंगे तो सीएनजी पे ये नहीं दिखाता। तो मारुति वालों, वैगनर वालों, ये भी थोड़ा देखो, कंसीडर करो इसको भी, इसको भी थोड़ा लाओ अपडेट में तो और बढ़िया हो जाएगा मामला। और गाड़ी फिर बढ़िया मस्त दिखेगी, मतलब मस्त बिकेगी, बिकती तो अभी भी बहुत अच्छी है, तो इसको भी थोड़ा कंसीडर करो। लाइक करो वीडियो को, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो चैनल को। देन टिल देन बाय, स्टे ट्यून्ड विद चंद्रा व्लॉग्स। टिल देन बाय।